इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बरजातिया, वंदना बरजातिया, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बरजातिया, श्रीमती सुशीला बरजातिया। भ्राता भ्रातावधु श्री मनीष बरजातिया, अंकिता बरजातिया। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़ रेनवाल जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। जैन धर्म एवं श्रमण परंपराओं को सुरक्षित रखने हेतु वर्ष 2022 में परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के अज्ञानुवर्ती शिष्य, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी एवं पवित्रानंद जी मुनिराज असंग के पावन सानिध्य में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर साधु सेवा ट्रस्ट का गठन किया गया था। आज भारत के लगभग 10 से अधिक प्रांतों में एवं 25 से अधिक जिलों में ट्रस्ट की शाखाएं एवं सदस्यों का गठन हो चुका है। इस ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य हैं दिगंबर मुनियों के आहार विहार चर्या, विहार में आवास आदि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनना। इस ट्रस्ट के लगभग 10 माह पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन 2023 का आयोजन परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी एवं पवित्रानंद जी मुनिराज संघ के पावन सानिध्य में बेहद ही भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। ब्यावर राजस्थान की पावन धरा स्थित विद्या वसु सभागार श्री महावीर दिगंबर जैन पंचायती नसिया जी में दिनांक 27 अगस्त 2023 को इस समस्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि इस अवसर पर अनेकों गणमान्य सदस्य भी उपस्थित होंगे। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सविसाऊणम। जय बोले अंतिम तीर्थम करी विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महान भाव, हम अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने आदर्श, अपने पूजनीय, अपने वंदनीय, हमारे सम्माननीय, हमारे आराध्य, हमारे गुरु, जिनके लिए हम अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, मन से, वचन से, काय से, अपनी आत्मा से, अंतरंग से, जिनको हम सब कुछ दे देते हैं, ऐसे में निर्गंत वे दिगंबर मुनि वे सच्चे गुरु, हम उनके लिए सोचते हैं कि बहुत कुछ करें, मन से बहुत सोचते हैं कि हम दान दें, हम उनके लिए अपना तन दान दें, मन दान दें, धन दान दें, हम सब कुछ उनको सोचते हैं, लेकिन हमारे मन में रहता है कि हम जो दान दे रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, हम उनके लिए जो समर्पण कर रहे हैं, हम उनके लिए जो दान दे रहे हैं, उस दान का फल क्या है, हमें क्या मिलेगा उसका। तो मान भाग हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारी हर जिज्ञासा का समाधान किया है। निर्गंत मुनियों के लिए दिए हुए दान का फल क्या है, ये भी हमारे आचार्यों ने बताया है। आचार्य समर्थ स्वामी जी ने रत्नाकर शाकाचार्य की 114 नंबर की गाथा में हमारी जिज्ञासा का समाधान लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी में ही कर दिया। मान भाग आचार्य समन्वय स्वामी जी लिख रहे हैं, गृह कर्म नापि निश्चितम कर्म विमारष्टि खलु गृह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते वाले। दिगंबर साधुओं की जो हम दान दे करके पूजा करके या फिर हम उनको अपने तन से, मन से, धन से जैसी भी दान दे रहे हैं, उसका फल क्या मिल रहा है, यहाँ आचार्य समन्वय स्वामी जी लिख रहे हैं कि निश्चय से जिस प्रकार जल खून को धो देता है, उसी प्रकार निर्गत मुनियों के लिए दिया हुआ दान गृहस्थी संबंधी कार्यों से सदृढ़ भी कर्म को नष्ट कर देता है। जो हम अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, ये बात सत्य है, संसार में रहने वाला व्यक्ति संसार में रहकर के कर्म करेगा। जो पंच छूना हमें लगते हैं, कपड़े धोना, जो हमारे नित्य प्रतिदिन की क्रियाएं हैं, वस्त्र धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना,
चक्की चलाना, ओखली में मसाले कूटना, ये हमारे दिन प्रतिदिन के जो कर्म हैं उन क्रियाओं के माध्यम से हमारे कर्म निश्चय से बनेंगे। लेकिन कर्मों को कैसे काटें, इसीलिए आचार्य सुमंत स्वामी जी के साथ साथ अन्य आचार्यों ने भी जो हमारी क्रियाएं व्यवस्थित की हैं, षट आवश्यक क्रियाएं जो दी हैं, देव पूजा, गुरु पास्ति, संयम तप त्याग, ये हमारे जो षट आवश्यक धर्म है उसमें भी गुरु की उपास्ति स्पर्श दिया करें, क्योंकि हमारे कर्म इनके माध्यम से नष्ट होंगे। कैसे नष्ट हो जाएंगे? जो आप कर्म कर रहे हो उन कर्मों से जो आपको कर्म बनेंगे उनसे दो प्रकार के कर्म बनते हैं, एक पुण्य के कर्म बनते हैं, एक पाप के कर्म बनते हैं। आचार्य भगवंतों ने व्यवस्था बनाई है कि अगर आपको अपने जीवन में कर्म बांधने हैं, संसार में रहने वाले व्यक्ति को दोनों चीजों में व्यवस्था बनानी पड़ेगी, संतुलन बनाना पड़ेगा, एक कर्म का और धर्म का। जितना हम धर्म कर रहे हैं उतना हम कर्म कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो हमारे कर्म बने हैं उन कर्मों को काटें कैसे? तो यहाँ आचार्य भगवत लिख रहे हैं कि निर्गत मुनियों के लिए दिए हुए दान का फल दिए है, उनके लिए हम जो दान दे रहे हैं, दान भी मात्र पैसे का नहीं है। आज के समय में लोगों ने पैसे को बहुत सम्मान दे दिया। पहले भी बताया था, धन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन धर्म सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ। हम अपने जीवन में धन एक स्थान तक काम आता है, लेकिन अंतिम चरम सीमा पर धर्म भी हमारा साथ छोड़, धर्म हमारा, धन हमारा साथ छोड़ देता है, और वो धर्म चरम सीमा पर वही काम आता है। इसलिए अगर हमें अपने कर्मों को नष्ट करना है तो पहले हमें धर्म कर्म करना होगा। उसमें भी हम अपने गुरुओं की सेवा करके, जितना सेवा करने से कर्म कटता है उतना कर्म अन्य किसी चीज से नहीं कट सकता। मान बा हम अपने जीवन में जो निर्गंत साधुओं के लिए दान दे रहे हैं उन दान को देवी कैसे दें? पहले हम साधु की व्यवस्था समझे, साधु है कौन? जो आरंभ परिग्रह से रही है और ज्ञान ज्ञान तप में लीन रहते हैं, ऐसे वे निर्गंत हमारे मुनि हैं, वो प्रशंसनीय हैं, उनकी हमें वंदना करनी चाहिए, पहला। दूसरा, वो उत्तम पात्र हैं, उसके साथ साथ मध्यम पात्र भी है और जघन्य पात्र भी है। आज के समय में अगर किसी से कहे दान देना है तो वो कहते हैं आहार दान देना चाहिए। दूसरा किसको देना है? तो मुनि, बाकी बाकी सबका नाम वो भूल गए। चार पात्र हैं, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, ये चारों चार प्रकार के साधु कैटेगरी है, ये साधु का क्षेत्र बनाते हैं। हमारे साथ जो साधु हैं उन साधु में हम दान किसको कैसे दे रहे हैं? उसको भी आहार दान दे करके हम अपना पुण्य कमा सकते हैं। लेकिन आहार दान हम सही मायने में सही तरीके से दे रहे हैं? एक आहार दान देने से राजा श्रीचैन, वही श्रीचैन जिसने मुनि महाराज को आहार दान दिया था, और कुछ बाद वही शांतिनाथ भगवान बनकर के, तीर्थंकर बनकर के मुख चले। अब अपन लोग देखें कि हम क्या उतना उतनी विशुद्धि से आहार दान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ऐसे ही कर्म नहीं धुलेगा, विशुद्धि के साथ अगर हम दे रहे हैं तब जाकर के हमारा कर्म धुलेगा। यहाँ आचार्य सम्मुल स्वामी जी भी लिख रहे कि निश्चय से जिस प्रकार जल खून को धो देता है उसी प्रकार निर्गंत मुनियों के लिए दिया हुआ दान ग्रस्त संबंधी कार्यों से जो सदर कर्म बंधे हैं उन कर्मों को भी धो देते हैं। क्या हम विशुद्धि के साथ वो आहार दान दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे? क्या हम औषध दान, वो वृषभ सेना औषध दान के प्रभाव से जिसको सर्वौषध रिद्धि की प्राप्ति हुई थी उसका जल छिड़क दिया करते थे तो रोग ठीक हो जाया करता था? ये दो दृष्टांत एक से हैं, विशल्या और वृषभ सेना। विशल्या का जल जब श्री लक्ष्मण जी को
उसकी उसका जल उसके ऊपर लक्ष्मण जी के ऊपर डाला गया तो लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी थी वो शक्ति दूर भाग गई, उतना प्रभाव था उसका। और वृषभ सेना का जल जब लोगों के राजा के ऊपर भी डाला गया तो लोग कहने लगे राजा के ऊपर किसी का स्नान किया हुआ जल थोड़ी ना डाला जाता है। लेकिन बचाने का कोई जब उपाय ही नहीं रहा तो उस कन्या का उसका जल स्नान करा हुआ जल लाया गया और राजा के ऊपर डाला तो दोबारा से सचेत हो गया और जीवंत हो गया। मालूम बात पूर्व में उसने मुनि महाराज को आदान दिया था, इससे मुनि महाराज को औषध दान दिया था और उनका औषध देकर के जो स्वास्थ्य ठीक हुआ था उसके प्रताप से उसे सर्वोषध रिद्धि की प्राप्ति हुई। विचार करें क्या हम इतना दान दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। हमने कर्म तो बांधा है बहुत बड़ा और कर्म काटने की क्रिया हमने शून्य में की है या न्यूनतम तक की है उसको भी देखना पड़ेगा। हम पाप भोग विलासता की क्रियाएं तो बहुत बड़े रूप से कर रहे हैं लेकिन हम धर्म ज्ञान की क्रिया कितनी कर रहे हैं। पहले के लोगों की सारी क्रियाएं व्यवस्थित थी, सुबह उठने का समय निर्धारित था, 4 बजे नहा धो करके तैयार हो जाया करते थे मंदिर। अब तो क्या है स्कूटी पे बैठो दबन बटन दबाओ और पहुंच गए मंदिर। पहले ये तरीका नहीं था, मंदिर भी दूर दूर हुआ करते थे। ये जितनी भी नसियाए हैं नगर के बिल्कुल किनारे पे हुआ करती थी, उस नसिया के आगे ही नगर शुरू हुआ करता था और वहां पर मंदिर जाकर के घर से नंगे पैर नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके सामग्री लेकर नंगे पैर जाया करते थे। जितने 40 होते थे स्तुति होती थी वो पढ़ा करते थे। मुनि महाराज के पास आहार दान देने के लिए जाना है, सुबह चौका लगा करके 8 बजे तक मुनि महाराज की चौकी की क्रिया पूरी हो जाया करती थी, उनकी प्रणाम शुरू हो जाता था। अब तो लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसको बनाते बनाते अगर 12 बजे भी दे दे तो भी कम। उनकी क्रिया निर्धारित थी, उनके चलने का समय, सोने का समय, बैठने का भी समय निर्धारित था। पहले के लोग बड़े बड़े वो कुर्ता पजामा पहनते थे, उस पजामे के अंदर 4 आदमी के एक पांव से भी 4 आदमी के पैर आ जाए। लेकिन ढीला कपड़ा पहनते थे जिससे कि शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव ना है। आज के समय में इतना टाइट कपड़ा पहनते हैं अगर कोई बिच्छू कोई कीड़ा घुस जाए तो या तो वो मरेगा या तुम मरोगे, दोनों में से एक जना तो मरना है। ये व्यवस्था थी पहले के लोगों की, सुबह उठना मंदिर जाते थे, मंदिर जाकर के वापस आ गए हैं अपना दुकान पे बैठे हैं, इतना कमाना है जिससे हमारा गुजारा हो जाए। हाय तोबा नहीं थी, सुरक्षित थे। एक एक व्यक्ति 100-100 साल जीता था, आज का व्यक्ति भागो। पत्नी कमा रहा है, पति कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, बच्चे दो हैं दोनों कमा रहे हैं, लड़कियां हैं दोनों लड़कियां कमा रही हैं, घर के 6 सदस्य हैं 6 सदस्य कमा रहे हैं फिर भी गुजारा नहीं हो पा रहा। हमने भौतिकता के युग में इतनी सामग्री बढ़ा ली है, पहले मटके का पानी पिया करते थे और शरीर ठंडा हो जाया करता था और कहा करते थे ठंड रख, और अब तो फ्रिज चाहिए, हवा खाने के लिए कूलर चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए। पहले तो बिजनेस से ही काम हो जाया करता था, वो भी छोड़ो जो साफी होती थी गमछा, उस गमछे से हवा कर लिया करते थे, जमीन पे मार्जन करा और बैठ भी जाया करते थे, ज्यादा हो उसी को बिछा लिया, नींद आ रही है तो उसी को ओढ़ लिया। हमारी प्रत्येक पहले के लोगों की प्रत्येक क्रिया निर्धारित थी, अनुशासित थी, हमारी कोई क्रिया अनुशासित विशुद्धि के साथ दान दिया करते थे, शुद्ध भावनाओं से दान दिया करते थे। आज दान की भावना उतनी शुद्ध बन पा रही है या नहीं बन पा रही। मात्र औषध दान देने से वो वृषभ सेना औषध दान के प्रभाव से सर्वोषध रिद्धि उसको प्रकट हुई। क्या हमें हो पाई? क्यों हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था आहार दान दे करके, महिलाएं मात्र गंधोदक लगा करके सर का दर्द ठीक कर लिया करती थी। आज तो सर दर्द तो डिस्प्रिन चाहिए, बुखार हो तो किरोसिन चाहिए, नहीं तो ज्यादा बुखार हो गया है तो इंजेक्शन ठोक दो। अब पहले तो बीमारी के लिए इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन का दर्द है उसके लिए फिर इंजेक्शन लगाओ। ये
हमारे जीवन में हम धर्म पर उतना विश्वास नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए। मान भाव, मुनियों को दान देने से, निर्गत मुनियों को दान देने से हमारे कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन क्या सही मायने में हम उतना दान दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे? आहार दान, औषध दान, अवैध दान, अवैध दान में सूकर, लोग कहते हैं धर्म का फल नहीं मिलता, पुण्य करने से, धर्म करने से फल नहीं मिलता है। हमारे पास प्रमाण है, जैन धर्म में प्रमाण कूट कूट के भरे हैं। कौन सा प्रमाण चाहिए? भक्ति का प्रमाण चाहिए। मेंढक मात्र पापुड़ी को दबा करके भगवान के दर्शन करने जा रहा था, समोचरण में मर गया, देव बना, अभी तो समोचरण में पहुंचा भी नहीं। मात्र भक्ति के भावों से देव बना। सूकर मुनि महाराज की रक्षा करी थी, अवैधान या अवैधान के नीचे मुनि महाराज की रक्षा करी और उसी समय मर करके वही सूकर, सूकर पर्याय का जीव नरक जाता है और त्रियंचुओं में दोबारा अगर त्रियंचु में पैदा होता है तो नीच गति को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो त्रियंचु की सबसे निकृष्ट पर्याय है, सबसे उत्कृष्ट पर्याय अष्टापद्य है, उसके पास सिंह दी है, गजराज को भी माना है, नेवला सर्प ये भी पर्याय मानी है, लेकिन सूकर पर्याय सबसे निकृष्ट पर्याय थी। और वो सूकर जैसा जीव भी मुनि महाराज को अवैधान देने से देव बना, लेकिन क्या ऐसी रक्षा हम साधु की कर पा रहे हैं? विचार करें, क्या उतनी रक्षा हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? और उसके बाद जो हमारे जीवन में ज्ञान दान, सही मायने में हमने मुनि महाराज को ज्ञान दान दिया या नहीं दिया? हम ऐसा तो नहीं जो हमने शास्त्रों के दो चार पन्ने पढ़ लिए हैं, उन चार पन्नों से हम लोगों को पकड़ पकड़ के बुला रहे हो, सुनो हमारी, सुनो, गाथाएं सुना रहे हैं या ग्रंथ बांट रहे हैं या उन्हें कहानियां सुना रहे हो, कह रहे हैं हमारे कान पक गए, तुम चुप हो जाओ, माइक छोड़ दो, हमें नहीं देना तुम्हें माइक। लेकिन वो माइक चाट की गिरी थी। वो सुना रहे हैं अपनी बातों को, वो ज्ञान दान नहीं है। ज्ञान दान का मतलब मात्र कोई भी किताब ला करके साधु को दे देना, ये ज्ञान दान नहीं है। पढ़ने वाले साधुओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार अगर आपने कोई शास्त्र दिया है और गलती से वो निर्गंत साधु जो है, जिनको शैष की उपाधि दी गई है, आचार्य उमा स्वामी जी ने उनको शैष का, शैष लाख बकुश निर्गंत स्नातक मनोज्ञ, ये अलग अलग भेद किए साधु जो पढ़ने वाले होते हैं उनको शैष कहा। ऐसे वो साधु, उनको आपने क्या ज्ञान दान दिया या नहीं? 80 वर्ष की उम्र हो गई है और उनको शास्त्र, अब उन्होंने पढ़ने का भी त्याग कर दिया और आप उनको दे रहे हो ज्ञान दान, शास्त्र भेंट दो। तो भैया वो 80 वर्ष की उम्र में शास्त्र नहीं पढ़े जाते, अब ये साधना काल है, स्वयं को साधने का है। शास्त्रों को भी अब छोड़ दिया गया है, अब तो बस अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन करना है। लेकिन क्या हम सही मायने में ज्ञान दान दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे? उन निर्गत मुनियों के लिए दिए हुए दान का फल हम चाहते हैं, लेकिन क्या सही मायने में उन निर्गत साधुओं के लिए हमने सही दान दिया? और निर्गत साधु के साथ साथ साधु की चार कैटेगरी की गई है, मुनि, आरिका, श्रावक, शाविका। आज व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति उससे पूछो दान देना है तो आहार दान ही नहीं होता, ज्ञान दान भी होता है, अवैध दान भी होता है, औषध दान भी होता है। और उसके साथ साथ किसको देना है? मुनि। मुनि के साथ साथ और भी लोग हैं, आरिका है, श्रावक है, शाविका है। लेकिन क्या सही मायने में विचार करें कि हमने अपने जीवन में चतुर्विधि संघ को दिया या नहीं दिया? क्या हमने दान सही मायने में दिया भी है या नहीं दिया? दान देने की क्रिया जो है वो दिया है प्रत्येक रुपये पे। एक रुपया अगर आप कमाते हो तो उसके चार टुकड़े करने होंगे, चार हिस्से करने होंगे। एक घर के लोगों के लिए, जो घर के अंदर रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, एक हिस्सा उनके लिए करो, उनका भोजन पानी, उनकी सारी व्यवस्था। और दूसरा हिस्सा आपके व्यापार के लिए, जो आपके व्यापार में खर्चा होता है उसके लिए, व्यापार भी चलाना होगा। और व्यापार नहीं करोगे, वाणिज्य नहीं करोगे तो पेट को कैसे भरोगे? घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर वो खाएगा क्या?
इसलिए व्यापार भी करना जरूरी है और गृहस्थी चलानी भी जरूरी है। इसलिए एक हिस्सा व्यापार के लिए, एक हिस्सा गृहस्थी के लिए। दूसरा, अगर कोई मेहमान आता है उस मेहमान के लिए, ये भगवान के उनने हमने भगवान की जो भक्ति करी थी उस भगवान के लिए एक हिस्सा निकाला है, और एक अतिथि के लिए, वो अतिथि कौन, दिगंबर मुनि निर्गंत साधुओं के लिए ऐसे चार हिस्से किए गए हैं, दो कर्म के दो धर्म के। लेकिन हमने क्या किया, क्या उतना हिस्सा निकाला या नहीं निकाला। शादी करी करोड़ रुपए की, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तो शादी में लगाया, दान कितना निकाला, 1100, 2100, 2100, 3100 रुपये। मंदिर की जो सामग्री गई थी उसमें 10 टेबल मंगा ली तुमने, पसावरे मंगा लिए, मंदिर के बर्तन मंगा लिए, मंदिर की थाली मंगा ली, मंदिर का माली मंगा लिया, मंदिर की चद्दर मंगा ली, मंदिर का फर्श मंगा लिया, जो खर्चा हुआ था वो 3100 रुपये, दान दिया 2100 रुपये, 1100 रुपये और खा गए। हमने विचार करें कि सही मायने में क्या वो दिया है, वो किया है या नहीं किया। जो हमारे, याद रखना, जो आगम की क्रियाओं को पालन करते हुए अपने जीवन को जीता है उसका जीवन स्वर्ग में होता है, और जो भोग विलासता में जीते हैं, एक नहीं उदाहरण देख लो, जितने भी नारायण और प्रतिनारायण है वो भोगी होते हैं, विलासी होते हैं, मरकर के नियम से मर जाते हैं। हमारे जीवन में क्या हमने आगम का पालन किया, जो शादी हुई उसमें हमने दान कितना निकाला है, जो जन्मदिन है, जो सालगिरह है, ये सालगिरह जिसको आप सालगिरह कहते हो उसको वर्षगांठ कहते हैं, कि राजा महाराजा भी मनाया करते हैं और अभी भी मनती है। उस वर्षगांठ पर आपने क्या सही महीने में दान दिया, सब बहन बेटियों को आपने साड़ी दी, हारिका को वस्त्र दिए। सोचे, विचार करें, चिंतन करें, शादी में क्या, फिर जन्मदिवस के दिन आपने बर्तन बांटे, क्या किसी छुल्लक को कटोरा दान दिया। आपने व्यवस्था बनानी बंद कर दी, इसलिए उन निर्गंत साधुओं को आज समस्या उनके सामने खड़ी होगी। जब धर्मात्मा धर्म की व्यवस्था नहीं बनाएंगे, याद रखना, तब तो तुम धर्म पिछड़ता चला जाएगा। मान पा, हमें ध्यान देना होगा कि हम अपनी प्रत्येक क्रिया को कैसे कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में हमारी प्रत्येक क्रिया का उल्लेख किया है, 108 क्रियाओं का उल्लेख उन्होंने आदि पुराण में किया है, 53 क्रिया गर्भान्वे, 48 क्रिया क्रियान्वे और 7 क्रिया दीक्षान्वे, उन्होंने ऐसे 108 क्रियाओं का उल्लेख किया। उन प्रत्येक क्रिया में उन्होंने दिया है, मंदिर भी अगर आपको बनाना है तो देवाज्ञा गुरु आज्ञा लेनी होगी, मानस्तंभ की स्थापना करनी है तो देवाज्ञा गुरु आज्ञा लेनी होगी, अगर आपने कोई अनुष्ठान, कोई विधान, कोई जाप किया है, कोई उत्सव है, कोई महोत्सव है, तो प्रत्येक क्रिया में देवाज्ञा गुरु आज्ञा लेनी होगी। यहाँ तक कि आपके पर्वों में उपवास भी आप करते हो तो उसमें भी देवाज्ञा गुरु आज्ञा दोनों का आशीष लेके करते हो तो उसमें वो निर्विघ्न समाप्त होते हो। शादी से पहले मंदिर में जो कार्ड चढ़ाया जाता है, भगवान को नौता नहीं दिया जाता, भगवान कोई नहीं आएगा तुम्हारी शादी में, कोई साधु नहीं आता, वो देव आज्ञा गुरु आज्ञा है कि हम संसार में बस फंस रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद तो जिसके माध्यम से हमारा धर्म न छूटे, आपके आशीर्वाद से हम संसार में रह करके भी धर्म करें, ऐसा आशीर्वाद दो। इसलिए वो क्रिया दी, मान भाव हम क्रियाओं को भूल गए। आज के समय में तो दान की क्रिया है, हम दान भूलते जा रहे हैं, हम भोगी विलासी बनते जा रहे हैं, हमारी क्रियाएं इतनी सारी हो गई हैं। पहले का व्यक्ति अपने परिवार में समय गुजारता था, आज तो रविवार, इसको संडे भी कहते हैं, संडे का दिन लोगों के लिए त्योहार है, घूमने जाना है तो संडे को, रिसोर्ट जाना है तो संडे को, सिनेमा हॉल मॉल तो संडे को, अनुष्ठान विधान तो संडे को, बच्चा पैदा होगा तो संडे को, अगर किसी को मरना है पहले आज मत मरो, आज शनिवार है, कल मर जाना, कल संडे है। कैसी परिस्थिति, कैसी व्यवस्थाएं हमने बना दी है, हमें कोई काम करना है, यात्रा पे जाना है तो संडे को, साधु को नमोस्तु भी अगर करेंगे संडे नमोस्तु मारे, संडे को मैयावती में भी भीड़ आएगी, लोगों को ऐसा मानना है, क्यों, आज संडे है। प्रवचन में भी संडे को भीड़ आएगी, क्यों,
क्योंकि आज का समय हमारा खाली है, हमने अपने आप को कैसे व्यवस्थित करा है और हम कैसे थे। पहले व्यक्ति थोड़ा खाते थे, अच्छे से जीते थे, आज व्यक्ति ज्यादा कमाते हैं, जीने का तो कोई ढंग ही नहीं है। पिता को बेटे को या बेटी को देने के लिए समय नहीं है। बच्चे माँ बाप की माँ बाप की आवाज सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। बैठना तो बहुत दूर की बात, पता ही नहीं लगता कि बेटी कब बड़ी हो गई, उसकी शादी का समय आ गया। जो सही समय था, कीमती समय था, वो तो बोर्डिंग में गुजार दिया, पढ़ते पढ़ते गुजार दिया। पता चला पढ़ते 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 25 साल की उम्र हो गई, चलो अब विवाह करने का समय आ गया। पहले पढ़ाई में पढ़ाए रहे, शादी के बाद वो दो चुटिया वाली आई, बेटी को ले गई। बाबूजी आए, बेटी को ले गए। अपन तो ठन ठन गोपाल रह गए, हमारे हाथ तो कुछ लगे ही। मानो भाव हमारी व्यवस्थाएं जो व्यवस्थित थी, हम उसमें खुश थे, आनंदित थे। अपने जीवन में हम वो जो धर्म करते थे, हमें बड़ा सुख मिलता था, लेकिन आज वो धर्म हम नहीं कर पाए। हमें अपनी प्रत्येक क्रिया में दान भी देना होगा, हमें अपनी क्रियाओं को अनुशासित करना होगा, धर्म और कर्म में संतुलन बनाना होगा। हम कितना संतुलन बना रहे हैं? पहले के लोगों का संतुलित जीवन था, रात को सोने का समय भी निर्धारित था, 9 बजे तक सो जाया करते थे, सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे, शाम को मंदिर में जाकर के दीपक जलाना, आरती करना, गद्दी पे जो वाचन होता था उसको सुनना, ये सारी क्रिया हुआ करती थी। अब इतना समय नहीं है, हमने अपने आप को व्यस्त कर लिया है। और ऐसा नहीं है पैसा आज नहीं है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं मर रहा, एक व्यक्ति भूखा नहीं मरे, सबके पास जिनने पेटी दी है, जिसने पेट दिया है उसने पेटी भी दी है, जिनने दाना खाने के लिए पेट दिया है तो दाना कमाने की व्यवस्था भी करी है। लेकिन हम दुखी इस कारण से हैं, पहले मटका चलता था फ्रिज चाहिए, पहले बिजली चलता था अब पंखा एसी कूलर तीनों चारों चीज चाहिए, पहले पैदल चलते थे आज स्कूटी चाहिए, पहले बैलगाड़ी से चलते थे आज गाड़ी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया चाहिए, होंडा सिटी चाहिए, स्टीम चाहिए, सेंट्रो चाहिए, वर्षा चाहिए, 25 लाख की, 1 लाख की, 1 करोड़ की, हमें बढ़िया से बढ़िया चाहिए जिसमें गिलास भी ना हिले, धक्के ना लगे, शोकर बहुत बढ़िया हो, टायर चले तो चमके, एसी चाहिए जिसके अंदर मूवी भी चल सके, एसी भी चल सके, पीछे का दिख सके, आगे का दिख सके, ऐसी तो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी चाहिए। हमारा पैसा हम घर में लगाते हैं ग्रेनाइट, बढ़िया से बढ़िया अटेलियन, ऐसी ऐसी तो टाइल लगा लेते हैं, लेकिन खाने के बर्तन हमारे लोहे के। लेकिन आज बनाते लोग भटक गए हैं कि हमें कहाँ दान देना चाहिए, हम कैसे सेवा करें। संकलेशित भाव से नहीं, मन से करें, अंतरंग से करें, ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें। साधु को अगर संपूर्ण मन वचन काया तीनों की शुद्धि के साथ अगर साधु को हार दान देते हो या अभय दान देते हो, औषध दान देते हो, ज्ञान दान देते हो, याद रखना उसका फल नियम से मिलेगा। आचार्य समन्वय स्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, जैसे जल खून को धो देता है, ऐसे ही निर्गत मुनियों के लिए दिया गया दान हमारे बड़े से बड़े कर्म को भी धो देता है। मान बाप आप सभी लोग अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करें, साधुओं को दान देकर के आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, आप शाश्वत वस्तुओं को प्राप्त करें। मैं यही भावना बांधता हूँ और इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी शिक्षा को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बरजातिया, वंदना बरजातिया, नसीराबाद अजमेर, पिता माता श्रीमान भागचंद बरजातिया, श्रीमती सुशीला बरजातिया, भ्राता भ्रातावधु श्री मनीष बरजातिया, अंकिता बरजातिया, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन, बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन, किशनगढ़ रेनवाल जयपुर, ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।